हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि भाई आज जो है इस वीडियो के अंदर हम करने वाले एनालाइज इंसर्शन शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम को, कि भाई फाइंड करेंगे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम। बट बिफोर मैं ये शुरू करूँ इस वीडियो को, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा वो इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है, उसका वर्किंग फ्लो कैसे होता है, वो पूरा एक सॉल्ड एग्जाम्पल के साथ समझाया था। और वहाँ पर कुछ ऐसी प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ऐसा कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज है फॉर दिस वीडियो विच आई हैव टोल्ड इन दैट वीडियो, कि भाई कंपैरिजन, मूवमेंट्स, उनके बारे में थोड़ी बात हमने वहां पे की गई है, मूवमेंट्स कैसे किए हैं, कंपैरिजंस कैसे किए, वहां पे मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन आपको किया हुआ है, जो कि यहां पे एनालाइज करने के लिए इंसर्शन शॉर्ट को बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के बेसिस पे, कंपैरिजन एंड मूवमेंट्स के बेसिस पे ही हम लोग इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम को एनालाइज करने वाले विद रिस्पेक्ट टू वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो दोस्तों पहले वो देख लीजिएगा, वो समझ लीजिएगा, एक बार मास्टरी अगर आपने इंसर्शन एल्गोरिथम के वर्कफ्लो पे कर ली, उसके बाद भाई ये एनालिसिस समझना तो आपके लिए खेल हो जाएगा, आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना काफी आसान हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द वर्स्ट केस, कि भाई वर्स्ट केस क्या हो सकता है फॉर इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, क्या हो सकता है। रिवर्स ऑर्डर में आप नंबर दे रहे हो उसको, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, बराबर। तो ये मेरा एरे है और ये उसके इंडेक्सेस है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लाइक दिस, दीज आर द इंडेक्सेस ऑफ दैट एरे, और उसके अंदर ही आपके नंबर्स हैं जो कि उल्टा रिवर्स ऑर्डर में 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से। तो जब इस तरीके का जब इनपुट भाई आप दे रहे हो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को, तब हम कह सकते हैं वर्स्ट केस हैज़ बीन इनकाउंटर्ड। और फिर अभी हम लोगों को इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है। तो हमारा एल्गोरिथम कहाँ से शुरू होता है भैया, व्हेन जे इज पॉइंटिंग टू इंडेक्स 1, बराबर। तो जब मैं मानता हूँ यहाँ पे जे मेरा 1 होगा तो क्या होगा, तब क्या होने वाला है। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे जो एलिमेंट 8 है उसे हम कंपेयर करते हैं उससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ उसे कंपेयर करते हैं, इन केस ऑफ वर्स्ट केस आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो उसके जितने भी पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं, 8 से पहले जितने भी एलिमेंट हैं, उन सबके साथ हम उसे कंपेयर करते हैं, बराबर। यहाँ पे कितना है, एक ही एलिमेंट है 9, तो हम क्या करते हैं 9 और 8 का कंपेरिजन करते हैं। यहाँ कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, सिर्फ एक कंपैरिजन, क्यों, क्योंकि इसके आगे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो एक कंपैरिजन। तो यहाँ पे मैंने कितना किया, एक कंपैरिजन किया व्हेन जे वाज इक्वल टू 1, बराबर, यानी पॉइंटिंग टू फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। उसके बाद इस कंपैरिजन का रिजल्ट क्या है वो भी देखते हैं। तो रिजल्ट क्या भैया, 9 इज ग्रेटर देन 8, बराबर। तो इस रिजल्ट से हमें कॉमन सेंस क्या रिजल्ट पता चलता है, कि भाई 8 जो है वो 9 से पहले होना चाहिए और जो 9 है वो 8 के बाद होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर 8 मेरा छोटा है 9 से, तो 8 मेरा 9 से पहले होना चाहिए लोकेटेड, तब हम कहेंगे देर इज सम काइंड ऑफ सॉर्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू दोज टू एलिमेंट्स। बाकी का पता नहीं, बाकी का करेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दोज टू 8 पहले होना चाहिए, 9 बाद में होना चाहिए, बराबर। तो फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 9 है वो आगे ले लेंगे, यहाँ पे ये मूवमेंट हो गई, एक मूवमेंट हो गई, बराबर। और जो की था, की के अंदर हमारा क्या होगा, जो की एलिमेंट है उसके अंदर हमारा क्या रहता है, 8 था जो कि पॉइंटेड बाय जे था, दैट इज जे वॉज इक्वल टू 1। तो 8 मेरा कहाँ था, की के अंदर था, और वो की मैंने जस्ट जो वैल्यू थी की वो मैं सिर्फ इसमें क्या करता हूँ भैया, पेस्ट कर देता हूँ, डाल देता हूँ, दैट इज 8 यहाँ पे आ गया, बराबर। तो सिर्फ यहाँ पे एक मूवमेंट लगा और एक कंपैरिजन लगा, बराबर, एक कंपैरिजन लगा जो कि हमने किया, और एक मूवमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू गेट इट इन टू अ करेक्ट प्लेसेस, ओके। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें अभी यहाँ पे लगे हैं। उसके बाद आते हैं भैया जे इज इक्वल टू 2 के ऊपर, थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है यहाँ पे जे इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो जैसे ही मैं ये कहता हूँ जे इज इक्वल टू 2 को पॉइंट कर रहा है, तो ये एलिमेंट मैं की के अंदर रख देता हूँ, की जो आपका टेम्प्रेरी वेरिएबल है उसके अंदर मैं ये जो वैल्यू है 7 की रख देता हूँ, यही हम लोग अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम जा रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है मुझे कंपैरिजन करना है किन के बीच में, ये जो 7 है इसका कंपैरिजन मुझे उसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंपेयर करना, तो मैं क्या करूँगा 9 के साथ 7 का कंपैरिजन, 8 के साथ 7 का कंपैरिजन, बराबर है। तो यहाँ पे कितने कंपैरिजन किए मैंने, 2 कंपैरिजन किए व्हेन आई वाज एट जे इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कंपैरिजन मैंने 2 किए। अब मुझे देखना मूवमेंट्स कितने करूँगा, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट देखते कंपैरिजन का, उसके ऊपर हमें पता चल जाएगा। तो 9 इज ग्रेटर देन 7 है, 8 इज ग्रेटर देन 7 है, तो इसका कॉमन सेंस का मतलब ये है कि भाई आपका 7 जो है वो 9 और 8 से पहले होना चाहिए लोकेटेड, दैट्स इट, इतना सिंपल सा मतलब है। 7 जो है आपका 9 और 8 से पहले लोकेटेड होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 9 है उसे यहाँ पे रखेंगे, ये एक मूवमेंट हुआ आपका। उसके बाद 8 जो है उसे यहाँ रखेंगे, ये एक मूवमेंट हुआ, और की के अंदर जो 7 की वैल्यू थी वो आपने यहाँ पे सिर्फ पेस्ट कर दी,
बराबर। तो आपके यहाँ पे कितने मूवमेंट हुए, एक्चुअल में दो मूवमेंट हुए बराबर। सो दो कंपैरिजन हुए और भाई दो मूवमेंट हुए। सिमिलर फैशन में जब मेरा जे इज इक्वल टू 3 होता है, यानी वो आगे पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम उसके जितने भी पहले वाले एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंपेयर करके देखते हैं। क्या कंपेयर करेंगे भाई, 7 के साथ 6 को कंपेयर करके देखते हैं, 8 के साथ 6 को कंपेयर करके देखते हैं, 9 को 6 के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ कितने कंपेरिजन्स किए हमने, 3 कंपेरिजन्स हमने यहाँ पे किए हैं, 3 कंपेरिजन्स वी हैव कैरिड आउट। अभी देखने हमें इसका रिजल्ट देखते हैं क्या है, सब ग्रेटर है देन द 6 बराबर। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 6 जो है वो आपको 7 और 8 और 9 इसके पहले रखना है, ओके, टू गेट इट इन अ सॉर्टेड फैशन। तो 6 को हमें सबसे आगे रखना है, तो उसके लिए कितने मूवमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, 3 मूवमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। एक जो अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं कि भाई कितने मूवमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो जस्ट सी फॉर द रिस्पेक्टिव वर्स्ट केस के लिए बता रहा हूं कि भाई इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट मच मूवमेंट्स यू आर रिक्वायरिंग, दैट मच कंपैरिजंस आल्सो यू आर रिक्वायरिंग बराबर। तो यहां पे कितने मूवमेंट्स लगेंगे, 3 मूवमेंट्स यू वुड बी रिक्वायरिंग। तो कैसे होगा, यहां पे आपका 9 आ जाएगा, यहां पे आपका 8 आ जाएगा, यहां 7 आ जाएगा, और जो 6 है वो आपका फाइनली यहां प्लेसअप हो जाएगा 7, 8, 9 से पहले। बात सिंपल है, समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया भाई, अभी इसको मैं आगे तक कर सकता हूँ, काफ़ी लंबे तक लेके जा सकता हूँ। कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, एन तक लेके जा सकता हूँ, कि जे टिल एन, टिल एन में लेके जा सकता हूँ। तो अभी आपने इसमें एक पैटर्न नोटिस किया, क्या नोटिस किया, 1, 1, 2, 2 व्हेन द वैल्यूज आर रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 लाइक दिस बराबर। तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, जब मेरा जे इज इक्वल टू एन होगा तो मुझे एन कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे फॉर वर्स्ट केस दिस काइंड ऑफ इनपुट, प्लस मुझे n मूवमेंट्स करने पड़ेंगे बराबर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसा, कि मुझे 2 times 1 लिख सकते हैं, इसको 2 times 2 लिख सकते हैं, दिस इज 2 times 3 लिख सकते हैं, उसी तरीके से इसे 2 times n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं इन सभी को, तो क्या होता है देखते हैं रिजल्टेंट क्या निकलता है। 2 into 1 plus 2 into 2 plus 2 into 3, इस तरीके से 2 into n, 2 of n बराबर। अब इसका क्या होगा भैया, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 plus 2 plus 3 plus till plus n बराबर। तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या निकालने वाले, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो वो क्या होता है, इट इज सिंपली इक्वल टू इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर है बात, डिवाइडेड बाय 2। अब ये नीचे का 2 और ये ऊपर का 2 गया कैंसल, अब यहाँ पे क्या बचे, n इंटू n प्लस 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ n क्या होगा, n स्क्वायर। तो देयरफॉर रिजल्टेंट हम लोग ये कह सकते हैं फाइनली कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द इंसर्शन सॉर्ट इज गोइंग टू बी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि भाई मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, ये कैसे मैंने किया। मैंने सिर्फ उसके जो कंपेरिजन्स एंड मूवमेंट्स हैं उन्हीं को सिर्फ यहाँ पे फोकस में रखा है बराबर, और उसके बेसिस पे मैंने वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर निकाला है बराबर। ये हो गई मेरी वर्स्ट केस। अब ये तो काफ़ी आसान लगा होगा, इससे आसान मामला बेस्ट केस का, इससे भी आसान मामला जो है वो बेस्ट केस का है, क्या है कि भैया कुछ काम ही नहीं करने देना इंसर्शन सॉर्ट को, खाली बिठा के रखना है, मतलब देर इज नो मूवमेंट्स दैट यू शुड कैरी आउट, कुछ मूवमेंट आपको करना नहीं, कुछ काम करना नहीं इंसर्शन सॉर्ट को, सिर्फ क्यों, बिकॉज वो पहले से सॉर्टेड है। तो जब आप कोई सॉर्टेड एरे या फिर कोई सॉर्टेड इनपुट जब आप इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को देते हो, देन वी कैन से दैट इज अ बेस्ट केस इज बीइंग एनकाउंटर्ड लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो भैया यहाँ पे बेस्ट केस एनकाउंटर होगी बिकॉज ये पहले से सॉर्टेड मैनर में है। तो यहाँ पे एक बात आपको मैं पहले से बता देता हूँ, एक ट्रिक, कि भाई यहाँ मूवमेंट तो होंगे नहीं, मूवमेंट्स आर गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज कहाँ से कहाँ मूव करोगे, कोई जरूरत ही नहीं है। हर एक एलिमेंट अपने परफेक्ट प्लेस पहले से ऑक्यूपाई कर चुका है, करेक्ट राइट प्लेस पे पहले से ही वो, सो नो मूवमेंट इज रिक्वायर्ड बराबर। तो क्या रिक्वायर्ड है, सिर्फ कंपेरिजन रिक्वायर्ड है बराबर। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, जे इज इक्वल टू 1। तो भाई एट जे इज इक्वल टू 1 कितने कंपेरिजन रिक्वायर्ड है, सिर्फ उसके पहले वाले के साथ। तो 1 और 2 के बीच में देखता हूँ मैं, अब 1 इज लेस देन 2, एक ही कंपेरिजन रिक्वायर्ड है, रिजल्ट बताता है नो मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। तो भाई यहाँ पे सिर्फ एक कंपेरिजन रिक्वायर्ड है, ओनली एंड ओनली 1 कंपेरिजन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद मैं जे इज इक्वल टू 2 पे जाता हूँ, मतलब आगे जाता हूँ, यहाँ पे जे इज इक्वल टू 2 पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 को सबसे पहले 2 के साथ कंपेयर करता हूँ, डायरेक्ट 1 नहीं, 3 को सबसे पहले 2 के साथ कंपेयर करता हूँ, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, 2 इज लेस देन 3। इसका सिंपल सा इंडिकेशन क्या है, कंपेरिजन कितना हुआ है, 1 हुआ है, कंपेरिजन कितना हुआ है यहाँ पे 1। क्यों, बिकॉज फिर आप कहोगे भैया 3 का 1 के साथ कंपेरिजन क्यों नहीं किया, बिकॉज
जब मैंने 3 का 2 के साथ कंपैरिजन किया और मेरा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया कि 2 जो है वो लेस देन 3 है, इसका मतलब एवरीवन इज एट राइट प्लेस, मतलब 3 जो है इट इज़ एट इट्स राइट प्लेस, इट इज़ एट इट्स सॉर्टेड प्लेस, और इसके बाद जितने भी मतलब इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल्सो सॉर्टेड, तो आगे आपको कंपेरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गए बराबर? इसीलिए वी विल स्टॉप हेयर एंड वी विल से दैट कि भाई देर इज ओनली वन कंपेरिजन रिक्वायर्ड ऑफ 2 एंड 3। उसके बाद भैया मैं जाता हूँ j इज इक्वल टू 3 के ऊपर, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, j इज इक्वल टू 3 पे जाते हैं, तो फिर कंपेरिजन होगा 3 और 4 का। अब इसमें भी सेम थिंग, 3 इज लेस देन 4, तो इसका मतलब इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी अपने आप सॉर्टेड होंगे, तो फिर हमें सबके साथ कंपेरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक कंपेरिजन लगा जो कि हमने यहाँ पे किया है एट j इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से आप जितना भी चाहो j इज इक्वल टू n तक जाओ, भाई आप n एलिमेंट्स तक जाओ, आपको यहाँ पे एक ही कंपेरिजन रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज उसके बाद आपके सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड ही होने वाले हैं। भले आप कंपेरिजन कर भी लो लेकिन इट इज़ ऑफ नो यूज़, वो सॉर्टेड ही होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 इज लेस देन 4, उसके बाद आप नंबर देखो 1, 2, 3, इट इज़ ऑलरेडी इन अ सॉर्टेड फैशन, एंड आई एम टॉकिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू बेस्ट केस सिनारियो, बराबर? ओके, तो यहाँ पे ऐसे कितने वन आए, n times it is 1, therefore भाई जो मेरी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है फॉर इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, इट इज़ नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा ऑफ n, दिस इज नथिंग बट द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बराबर? क्योंकि n बार आपका यही जो वन कंपेरिजन है ये आ रहा है, जितना भी फिर आप n लगा दो, जितनी भी आपकी इनपुट साइज होगी जो कि आपने इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को देके रखी हुई है दोस्तों। तो इस वीडियो में भाई वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको एक आइडिया दे दी है, कैसे लाया वो आपको बता दिया। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते जाइए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें पता चले भाई क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंसर्शन सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू बेस्ट एंड वर्स्ट केस। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।